नमस्कार, मैं प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। अलीगढ़ के जमालपुर थाना क्षेत्र में तीन अज्ञात बाइक सवार हमलावरों ने एक युवक को गोली मार दी, जिसके बाद आरोपी युवक मौके से फरार हो गए। वहीं गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना जैसे ही परिजनों को हुई, परिजन स्थानीय लोगों की मदद से तत्काल घायल को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। वहीं मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। हालांकि अभी तक परिजनों ने कोई भी लिखित शिकायत पुलिस को दर्ज नहीं कराई है। अयोध्या में सुशांत सिंह राजपूत के मामले में करणी सेना ने कैंडल मार्च निकालकर महाराष्ट्र सरकार पर हमला बोल दिया। इस दौरान प्रदेश संगठन मंत्री श्वेता राज सिंह ने कहा कि जिस तरह से सुशांत सिंह मामले में सीबीआई जांच को रोका जा रहा है, वह ठीक नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जब देश की बात आएगी तो करणी सेना सबसे आगे खड़ी होगी। अगर सुशांत मामले में सीबीआई जांच नहीं होती है तो करणी सेना मुंबई की सड़कों पर उतरेगी। अयोध्या में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जहां कोरोना को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग व अन्य एहतियात बरतने की सलाह दे रहे हैं, वहीं इस बीच सपा के नेता चौधरी लौटन राम निषाद का कोरोना पर अजीबोगरीब बयान आया है। उन्होंने कहा कि कोरोना एक महामारी नहीं बल्कि भाजपा की साजिश है। लोग कोरोना से नहीं बल्कि अन्य बीमारियों से अपनी जान गंवाई है। सपा के प्रदेश अध्यक्ष का कोरोना वायरस पर दिया गया यह बयान काफी चर्चाओं में है। हमीरपुर में नगर पंचायत सरीला में व्याप्त भ्रष्टाचार की शिकायत को लेकर नगर पंचायत के 6 से अधिक सभासद आयुक्त महोदय से उनके आवास मयूर भवन में मिलने पहुंचे। सभासदों का आरोप है कि हम सभी लोग डीएम महोदय को स्वागत गेटों के फर्जी भुगतान, फॉगिंग मशीन, निजी वाहनों में डीजल पेट्रोल आउटसोर्सिंग के द्वारा अपने निजी महल के कर्मचारियों के नाम पर लाखों रुपए का गबन किया है। इस दौरान डीआईजी ने सभासदों को अपराधियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। ललितपुर में रात भर से बारिश होने की वजह से राजघाट बांध का जल स्तर बढ़ गया, जिसके बाद बेतवा नदी बांध के 6 गेट खोलकर पानी की निकासी की गई। वहीं बांध के आसपास रहने वाले लोगों को अलर्ट किया गया। फिलहाल नदियों के किनारे रहने वाले लोग सुरक्षित हैं। संभल के चंदौसी थाना क्षेत्र में बदमाशों ने पिता बेटी का एक साथ अपहरण कर दुस्साहसिक वारदात को अंजाम दे डाला। इस वारदात से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया, साथ ही क्षेत्र में भी सनसनी फैल गई। वहीं मामले की सूचना मिलते ही एडिशनल एसपी ने मौके पर पहुंचकर वारदात की जानकारी ली। बता दें कि मामले में 3 थानों की पुलिस पिता और पुत्री की तलाश में जुटी हुई है। वहीं यह अपहरण क्यों हुआ, अब इन कारणों का पता नहीं चल पाया है। संत कबीर नगर में लोकायुक्त की शिकायत पर मंगलवार को ग्राम पंचायत रजनौली में डीडीओ राजित राम मिश्रा ने विकास कार्यों का स्थानीय निरीक्षण किया। इस दौरान गांव निवासी आदित्य राय ने ग्राम पंचायत में विकास कार्यों में अनियमितता की शिकायत लोकायुक्त लखनऊ को किया था, जिसके बाद लोकायुक्त के निर्देश पर डीएम के 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया, जिसमें डीडीओ राजित राम मिश्रा की अगुवाई में 3 सदस्यों ने मंगलवार को विकास कार्यों की जाँच शुरू की। डीडीओ ने कहा कि जाँच रिपोर्ट लोकायुक्त को भेजी जा रही है। इस दौरान ग्राम पंचायत के तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। खबरों के अंदर की पूरी खबर, हर खबर की सटीक पड़ताल, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी। सच, साहस और सरोकार, यही है हमारी पहचान।